व्यवस्था जो है वो डगमगाई हुई नजर आई थी। तो हिंदुस्तान तो फिर भी कई सिस्टम्स में पीछे है, या फिर ये कहिए उतना मजबूत सिस्टम नहीं है। कोरोना काल जब पीक पर था तब से लेकर अब तक कुछ बदलाव आपने देखे इस तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए? सरकारी तौर पर इंतजाम मजबूत हुए हैं? और प्लांट, ऑक्सीजन प्लांट भी लगे हैं सारे हॉस्पिटल्स में, पहले से काफी अच्छा है, चेंज हुआ है, बदलाव हुआ है। अच्छा, मुझे एक बात और बताइएगा, मेडिकल स्टाफ रेशियो क्या है पुरुष और महिला का? महिलाएं ज्यादा नजर आती हैं या कम नजर आती हैं, या बराबरी की नजर आती हैं? स्टाफ बराबर है मैं। अच्छा, बराबर है, यहाँ महिलाएं कम से कम बराबर है किसी भी तरह से उन्हें कम नहीं लगता, बराबर ही है मैम स्टाफ तो। अच्छा, शिफ्ट कैसे मैनेज होती है? क्या कुछ महिलाएं ऐसी भी रहती हैं जो कहती हैं नहीं नहीं हमें ये शिफ्ट तो सूट नहीं करेगी? महिलाओं के साथ बहुत सारी बाधाएं भी आ जाती हैं करियर के लिहाज से। शिफ्टिंग है, इवनिंग मॉर्निंग नाइट का इशू है, जैसे हम लेडीज हैं सभी और यही चाहते हैं हम भी मॉर्निंग शिफ्ट करें, लेकिन हमारी जो ड्यूटीज है वो इवनिंग मॉर्निंग नाइट है, और जो हॉस्पिटल्स हैं वो 24 आवर हैं, पेशेंट तो हमारे पास 24 आवर रहते हैं ना, तो हमें तो फिर शिफ्टिंग मैनेज करना पड़ता है सारा।